अस्सलामुअलैकुम। कैसे, उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, उसका टाइटल है, उसका टाइटल है जी लास्ट एपिसोड था ये डिंडोला का, ठीक है। सारा कुछ पता चल जाएगा, क्लियर हो जाएगा सारा कुछ, तो देखते हैं। अभी उससे पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के निशान पर क्लिक करना मत भूलिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मोहम्मद हमजाद, मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मलिक सकलन बार। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। अरे बधाई हो, आप फिर जीत गए हैं, वो भी सिंगल डोर। सिंगल डोर लॉटरी नहीं लगी क्या? नहीं लगी, नहीं लगी। आता मैं तो लगा मराठी मजे सांगू, नहीं लगी लॉटरी मेरी। अरे जब लगी नहीं थी तो बताया क्यों नहीं? इतना नाटक कर रहे हैं, क्या जरूरत थी? इनविटेशन लेटर आ गया और वीजा भी लग गया। तुम भी जा रही हो, पता नहीं कौन से बल में मेरी किस्मत लिखी हुई है। सर्जन तो मैं दुर्जन हूँ। सर्जन, सर्जन नहीं, मेरा 5 लाख रुपए दे। एक्सक्यूज मी, हाँ जी बोलिए, क्या चाहिए तुम्हें? मेरा 5 लाख रुपए कब देगा? अरे किस बात के? इधर इधर चीरा मार, चीरा चीरा निकल। That's illegal. We don't do that here. सुन जा बकंडा, टीटू को और अदरक वाली चाय को कभी मना नहीं करते, क्या नहीं करते? इधर चीरा मार, चीरा। ये चीरा नहीं लगे यार, नहीं किया स्कूल में। दुनिया में सबका नंबर लगने वाला। क्यों, क्या मालूम मूड खराब है बॉस का? वो क्या मतलब, बिना नोटिस के कौन निकलता है नौकरी से? क्या मालूम, सब चीज मैं ही बताऊंगा, इसी काम के लिए तो रह गया हूँ। हाँ तो मैं क्या कह रहा था गोयल साहब, अरे आप लोगों ने इतने साल दिए हमारी कंपनी को, इतने में तो फर्क पड़ता है आपके नहीं। देखो पुराने कर्मचारी को खुश रखना हमारा कर्तव्य। नहीं नहीं, अरे कंपनी आप लोग उसकी कंपनी, एक काम कीजिए आप कल आइए चाय। आई आई, क्या बात है सर, अपने कर्मचारियों की कदर करना कोई आपसे सीखे हैं? बबलू जी मैं कौन हूँ? बॉस, बॉस ली का हूँ मैं, यही रहता हूँ दिन भर। आप लोग फील्ड में जाते हैं, काम करते हैं, असली कंट्रीब्यूशन आप लोगों का है। ऐसी बात नहीं है सर, इस बार आपको प्रमोशन के ऊपर का भी प्रमोशन देंगे। मैं आपकी जगह कैसे ले सकता हूँ सर? नीचे बैठ, बैठ नीचे। सच ये कर ला प्यार। बबलू जी आपने कौवे की कहानी सुनी? कौवा बिरयानी वाली? नहीं नहीं नहीं, कौवा घड़े वाली। जी जी जी, तो यू समझ लीजिए कि हम कौवे हैं, ये पूरा ऑफिस घड़ा है, आप है पानी, है ना, और आपने जो इतने साल दिए हैं ना वो है पत्थर, समझे? इतने पत्थर गिराए हैं घड़े में, आप ऊपर उठे, आप और ऊपर उठे। मेरी अंदर से गट्स फीलिंग ये कह रही है कि इस वक्त आपको और ऊपर उठने की जरूरत है। है जी सर। मैं आपको आजाद करता हूँ। क्या मतलब? अरे आप इतने बड़े आदमी हैं, इस टुच्चे से ऑफिस में काम क्या करेंगे? इम्पॉसिबल, शोभा नहीं देता ना। ये क्या बात कर रहे हैं सर? ना 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 ना, आप अब इस कंपनी से ज्यादा फेमस हो गए हैं, हमें एम्प्लॉय चाहिए, हीरो नहीं चाहिए। सर मेरी लॉटरी भी नहीं लगी है और इस नौकरी के अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं है, समझने की कोशिश कीजिए। अरे तो आप इस ऑफिस से बड़े हो गए हैं, आपको नौकरी की क्या जरूरत है? 2 हफ्ते रुक जाइए, इस बॉस से क्या, बिग बॉस से फोन आएगा आपके पास। आइए साथ में बुलबुले बुलबुले छोड़ते हैं। नहीं नहीं नहीं, तो फिर जाइए। आइए साथ में बुलबुले छोड़ते हैं।
के बड़ा ही प्यारा कॉलेज है। लेकिन एक बात बताओ बैंचू, लॉटरी सही में लगती है? तेरी गर्लफ्रेंड बनी तो थी 2 साल पहले, लेकिन अंकल ने सबको सही बुद्धू काटा, एक साथ पूरे मोहल्ले का वन साइडेड ऑर्जी कर दिया। चुप कर यार, जानबूझ के नहीं किया उन्होंने। मेरा एक बाइक लेने का सपना था, वो भी सपना तोड़ दिया अंकल। स्कूटी को तो ढंग से स्टैंड पे खड़ा कर ले पहले। तुम लोगों की बकवास हो गई हो तो मैं जाऊं, मुझे तारा के लिए एक फेयरवेल गिफ्ट लेना है। ओहो फेयरवेल पैक, तू पागल है? लेकिन वो तेरे से सही में प्यार करती है? हाँ करती तो है, पर लॉन्ग डिस्टेंस। एक बार आज उसका हाथ देख लियो। क्यों? डीजे की बड़ी उंगली का नाखून अगर कटा हो तो समझ जाना उसने जिगी 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 किया। तुम दोनों रहो यहीं पे, शाम को मिलते हैं। इसको करना जिगी जिगी जिगी। बात दिया साहब, आप तो वो है ना जो उस दिन बस स्टैंड पर लॉटरी, तुझे कैसे पता? अरे इतनी गर्मी में मफलर कुछ पागल लोग ही बांधते हैं। क्या चाहिए साहब? तू दूसरों से क्यों नहीं मांगता, मेरे पीछे पीछे आ जाता है। साहब आवाज सबको लगाता हूँ मैं, बस रुकते हैं आप। बड़ी बड़ी बातें करा लो इससे, ये पकड़। अरे साहब आज वो बटर प्याज टमाटर वाली रोटी खाने का बंद कर रहे हैं, पिज्जा के पैसे नहीं मेरे पास। तो फिर आप ये लॉटरी ले लो, 3 बचे हैं बस। फाड़ के फेंक दे इसको, सब झूठ है ये। अरे या तो तीनों झूठे हैं या तीनों सच है, किस्मत आजमा लो। तू आजमा ले ना अपनी किस्मत। अगर मैंने किस्मत आजमा ली तो भूखा मर जाऊंगा ना, और इसी बात के तो 100 रुपए मिलेंगे। लॉटरी पे पैसे खर्च करने से अच्छा पढ़ाई लिखाई कर लेता, थोड़ा भला हो जाता तेरा। आप भी तो पढ़े लिखे हो, आपने क्या उखाड़ लिया? थप्पड़ खा लेगा मेरे से, तेरी इस लॉटरी ने मुझे और गरीब बना दिया। अरे छोड़ो ना साहब, आपके पास था ही क्या, थोड़ी बहुत इज्जत तो थी। भिखारी। माफ कर दे, वो फालतू में चिल्ला दिया तेरे पे। ऐसा क्या है पिज्जा में? वो तो देख रहा हूँ कि ये वाली रोटी इतनी महंगी क्यों होती है। हम तुम्हारे घर में खाना नहीं है क्या?
यार अब तो घर पे कुछ भी मांगने में शर्म आती है। मेरी खागी आती है। तो ये तीनों टिकट तुम्हारे। तू मिला ले नंबर, पर मिलाएगा कहाँ से? तवड़ा टंगा हुआ बोर्ड। देखो अगर ये टिकट लग गई ना तो 50-50। ठीक है 50-50। मैं तुझे बोल रहा हूँ फालतू की चीजें हैं ये। अगर ये लगी ना तो 25 मेरे बाकी तुम्हारे। ठीक ओ 3 लाख को भी नहीं रहा। वो भी गई। अभी भी टाइम है, फेंक दे इसको। अरे ये आखिरी है। अगर ये लग गई तो 5 मेरे बाकी तुम्हारे। 10-13। एक सेकंड। झूठी उम्मीद में बड़ा मजा आता है। आए बाकी जी सच निकल आ गया फिर और मजा आने फिर सही लगने। मैं तुझे बोल ही रहा था एक फालतू। चट भी मेरी पट भी मेरी सब पाने की जिद भी मेरी। बोल रहा था एक हफ्ते के लिए बाहर घूमने जा रहा है। तुम्हें पता है मुगले आजम में भी लाल किला दिखाया है। कौन वाला? तुम्हें भी यही चलो। ओए माय साहब माय सके चवला मारना पे हमें हम खा दिए। यात्री कृपया हाथ दे बीच में आते हैं हमें जाते हैं। ताई तो बोला फायर। एक्सक्यूज मी मैम। यस वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट योर सीट हैज बीन अपग्रेडेड टू बिजनेस क्लास। लेट मी एस्कॉर्ट यू टू द सीट प्लीज। बिजनेस क्लास आपके हो रही है। कौन करवाई है? करवाई बाकी बातें बाद में। यात्रियों को ये भनक तक नहीं है कि हम दोनों पायलट्स की आज ये पहली उड़ान। मक्खियों और पैसों के अलावा और कुछ नहीं उड़ा। इस कहानी ने हमें रिश्तों की अहमियत के बारे में सिखाया। किस्मत से मिलवाया, हकीकत से मिलवाया। और एक और बात सिखाई, अंजाम तक पहुंचने से पहले ढिंढोरा ना पी। बिल्कुल। लेकिन मंशोदा से क्या हुआ? उसका बाइक ले ली है। मेरा ड्रीम है यार। पैसे कहाँ हैं? अरे वो 2000 के नोट की वजह से जेब में फिट आ जाते हैं। ये ले। और ये कपड़े किसके लिए? वो अपन जाने वाले थे ना माहौल मिला कुछ पार्टी करने। बन गए हो गया। आदत चल है।
गाना हो गया ना बड़ा बड़ा किसी से आने भाभी जी नमस्ते अंदर नहीं आएंगे तो समझा था कि बस यहाँ तक ये स्टोरी है, और लेकिन ये है कि सेकंड सीजन भी आएगा और वाकई जी मजा आया, लेकिन राज खुले हैं वो चस नहीं आई वाकई तब तक चस था जब तक राज अभी राज ही थे, लेकिन ये है कि अच्छा मतलब इन्होंने एंड किया, हैप्पी एंडिंग हुई है, लेकिन वो जो एंड पे वो चाकू वाला सीन था अब ये नहीं पता वो किसको मार के आ गया है, और ये एक उन्होंने फिर ट्विस्ट रख दिया है अगले सीजन के लिए। खैर बाकी ये है कि सबके सपने पूरे हो गए और हैप्पी एंडिंग हो गई, कुछ भी सैड मतलब नहीं था इसमें एंड पे, और मुझे शक ये वीडियो जब आधी देखी थी तब वो टिकट दे रहा था तो तब लिए नहीं थे उसने, तो अब मुझे समझ आ गई थी कि फिर दोबारा उसने वही लेने होंगे, लेकिन पिछली एपिसोड तक यही था कि शायद वो बमन की लगे कोई लॉटरी, लेकिन ये है कि ओवरऑल वीडियो अच्छी थी और पूरा सीज़न ही तकरीबन बहुत मज़े वाला था, अच्छी स्टोरी लिखी है और ट्विस्ट भी बीच में बड़े आए और फनी भी था, सैडनेस भी थी, लव स्टोरी भी थी, मतलब हर किस्म का मवाद इसमें है और पूरी मतलब ये एक मूवी वाली फीलिंग आती है इसमें। बिल्कुल ये है कि ओवरऑल पूरा सीजन जितना भी था 8 एपिसोड मज़े वाली थी और पूरा ड्रामा जितना भी था मज़े वाला था और इन्जॉयबल था और बाकी मैंने इन्जॉय किया, और ये है कि स्टोरी भी बहुत अच्छी थी, मज़ा आ गया। कोई एक करेक्टर या इन सब करेक्टरों में करेक्टर मुझे जो अच्छा लगा है वो सबसे फनी जो है वो तो एक फ़मीर फुद्दी है, वही है बिल्कुल, और दूसरा एक जो है वो टीटू मामा तो इतना नहीं फनी, मतलब उस साहब सबसे ज्यादा फनी जो था, और एक वो जो यार एक आया था उसमें मुझे नहीं पता, बाकी ये है कि तकरीबन अपने अपने हिसाब से सारे ही अच्छे थे, लेकिन फमीर फुद्दी की जो लफज निकलते हैं ना फे से वो मतलब थोड़ा सा ट्विस्ट ले आते हैं बात में और डबल मीनिंग हो जाता है, और वही ना तो मतलब वो थोड़ी सी जुगतबाजी ज्यादा करता था इस लिहाज से वो ठीक था, लेकिन ये है कि अगर वैसे देखा जाए तो वैसे तो भवन का जो मेन रोल है वो भवन है और उसका जो है फादर और वो है ये मेन है, लेकिन ये है कि फनी जो करेक्टर इन्होंने डाला हुआ था वो मेन होती है, ओवरऑल मजा आया पूरा सीजन देख के इंजॉय किया जी। वाकई जी बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब पूरे का पूरा सीज़न इंजॉय किया और ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि इसको पूरा देखें फाइनल जो कि एंड पे जो था, क्योंकि इन्होंने देखा हुआ था ये बार बार हमसे जो है सवाल कर रहे थे और हमें और अगला सीजन और एक और बात है कि अगला सीजन आएगा तो ये देखा तो फिर, फिर अगर इसने देख लिया तो फिर रिएक्शन में ये नहीं होगा, फिर बाहर ही होगा, नहीं रिएक्शन में नहीं होगा ये, इसको फिर मैं कुछ और ही करूँगा फिर। तो बाकी जो है जी बहुत ही ज़बरदस्त और इसमें उन्होंने मैसेज भी जो दिए हैं जो कुछ उन्होंने रियलिटी दिखाई है इसमें वो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत लाजवाब काम किया है भवन बाम ने, और बाकी इसका सीज़न 2 बनता है, वो सीज़न 2 आएगा तो वो भी देखेंगे, उस पर भी रिएक्शन होगा, लाजवाब और फुल ही मज़ा आया। हमारी टीम की तरफ से आपको मुबारकबाद और बहुत बहुत, क्योंकि एक यूट्यूबर और वो इस तरह की सीरीज़ निकाल रहा है और दूसरे भी इससे प्रभावित होंगे, थोड़ा बहुत असर लेंगे और वो भी शुरू करेंगे, दूसरी वीडियो बन रही है बहुत अच्छी है, लेकिन यह है कि ये इन्होंने कोशिश की और इनकी कोशिश कामयाब हुई है, और जिस तरह इन्होंने सारे यूट्यूबर्स को इकट्ठा किया है और दूसरे लोगों को क्रू इकट्ठा किया है
और एक डायरेक्टर लिया है जिसने अच्छा डायरेक्टर हुआ है और इसने स्क्रिप्ट लिखी है खुद खुद ही करेक्टर को करेक्टराइज किया है और जहाँ जहाँ पे जो जो बनता था उस हिसाब से उन्होंने लगाया चाहिए जोड़ी के जो दिखाया वो आई थिंक वो तो दोनों जो हाथ पे चले गए हैं और एक बाइक पे घूम रहा है और टीटू मामा जो है वो उसके साथ चले गए हैं और लेकिन यह है कि बीच में रह जाते हैं वो इनके माँ और बाप वो गाड़ी में थे और वो किसी को कॉल कर रहे थे और पूछ रहा था कि कहाँ पे हैं और आई थिंक वो ट्विस्ट होगा और ताकि वो इधर कुछ करके वो घर गया है या किसी को मारा है या क्या किया है वो उसके दरवाजे पे पहुँच गया क्योंकि उसका डायलॉग तो इसका डायलॉग था उसका डायलॉग था घर बैठे लगी घर बैठी हुई थी गड्डी में कौन है गाड़ी में कौन थी रसोड़े में कौन था ये वो? देखो वो 11 करोड़ की लॉटरी जीती है जीता है ठीक है वो आंटी जो उसके साथ है वो अननोन है पहले नहीं आई ठीक है वो ना चादर चादर चेंज नहीं होनी चाहिए थी अगर माँ होती तो चादर वही है चादर वही है ना उसके घर पे वही है मैं भी यही कह रहा था उस टाइम लेकिन ये कभी कुछ कहता कभी कुछ कहता ये फजूल बातें कर रहा था बाकी ये है कि वो वाकई कुछ और थी क्योंकि उसकी चादर चेंज थी आई थिंक उस हिसाब से मैंने अंदाजा लगाया कि ये कोई और है फोन से गाल आई थिंक वो इसके साथ ही है इसके साथ मिली हुई है और उसे पता था इसकी लॉटरी निकली है उसके बाद सारा ट्विस्ट आएगा खैर एनीवेज वो सीजन सेकंड शुरू होगा तो पता चलेगा और गेम मुबारकबाद हमारी टीम की तरफ से और एंजॉय किया वीडियो को आई होप ये वीडियो आप लोग हो सकता है बबलू दो नंबर निकल आए नो आइडिया कोई पता नहीं भाई जी और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपना ख्याल रखिएगा दुआओं में याद रखिएगा तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ पीस हो बाकी तो मर्जी हुंदा हो जावे मेरे कमेंटां च गाल नहीं कढ़नी पर गाल नहीं कढ़नी पैंदी अगर टप मारती है ना